राजस्थान में बयानबाजियों का दौर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन बयानबाजी नहीं खत्म हुई है, चाहे वो डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, किरोड़ी लाल मीणा हो या कोई भी हो। हाल ही में सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म की आड़ पे जनता को बरगलाने का काम कर रही है। बात करना है तो जनता के मुद्दों पर कीजिए, विकास पर कीजिए, रोजगार पर कीजिए, शिक्षा पर कीजिए। चर्चा करनी ही है तो इन मुद्दों पे कीजिए, आप धर्म की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। भाजपा इस तरीके से राम मंदिर को लेकर इस तरीके से इवेंट बना रही है, ये बहुत गलत है, जनता के सामने बहुत गलत तरीके से पेश कर रही है। वही एक और वीडियो सामने आता है अविनाश गहलोत का, तो अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही इस बात पे करती है कि वो तो कांग्रेस ने पूरे राजस्थान को नाथी का बाड़ा समझ रखा है। तो कहीं तक कहीं ना कहीं एक दूसरे पर तंज कसने का जो मामला है, वही गोविंद सिंह डोटासरा पे जो अविनाश गहलोत ने तंज कस दिया है पूरी तरीके से, और यहाँ सचिन पायलट है वो भारतीय जनता पार्टी पे तंज कस रहे हैं कि ये जो राजनीति है, धर्म की राजनीति, ये राजनीति चलने वाली नहीं है। और दूसरी ओर पूरे राजस्थान के युवा आरपीएससी को लेकर, आरएएस एग्जाम को लेकर, स्थगित करने की मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार अपनी मांगे हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं। हम ऐसी ही और जानकारियां हैं सारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इन तीनों वीडियोस में देखिए किस तरीके से जो बयानबाजियों का दौर है वो भी शुरू है, और इन बयानबाजियों के बीच जो कहीं ना कहीं युवाओं का संघर्ष है वो भी आपके सामने रखना चाहते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट का ला गया है, और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है, जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पोलिटिसाइजेशन हो रहा है, देखिए ये कोई नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य की सरकार है, सुशासन की सरकार है। उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो राजस्थान में कांग्रेस के साथ रिपीट हो जाती, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने तय कर लिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग विकसित राजस्थान बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। तो ये डोटासरा जी का शुरू से ऐसा रहा है, बड़बोलापन रहा है, तो वो कहेंगे उनकी बातों को। ये शुरू से हिंदू धर्म विरोधी भी रहे हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते आए हैं, और सरकार कोई भी हो लेकिन जन कल्याण के साथ काम करने की जो मंशा होती है उसके साथ इन लोगों ने हमेशा से अन्याय करते हैं, कांग्रेस सरकार। मैं समझता हूं इस प्रकार के बयान की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लोग तो करते रहेंगे। भाई साहब एक सवाल मेरा, देखिए पहले तो मैं आपको निवेदन करूं कि आज हमारी विभाग की बैठक है, हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत हैं, राम की कल्पना के ही विपरीत, तो वो लोग कैसे जाएंगे जो राम विरोधी हो सकते हैं। उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यह आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहां पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म
या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बीवॉक डिग्री और प्लेसमेंट असिस्टेंस से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।